हेलो फ्रेंड्स, प्रसाद एकेडमी रे आपनको स्वागत जनाउछि। ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ रु आपन मानो पई पूर्ण नियुक्ति आसीछि। त कोन रहिछि से नियुक्ति ति चालंतु डिटेल ले देखिबा। तो देखंतु डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर कंबाइंड हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी स्पेशलिस्ट पोस्ट और सर्विसेज अंडर वेरियस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। तो 10th प्लस 2 पई आपनकर स्पेशलिस्ट पोस्ट जो गुड़ी को रहिछि तो से गुड़िकर ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आसी। तो चलो तो डिटेल ले देखिबा को पोस्ट कौन क्वालिफिकेशन रहइबो, एटा को केओ माने आवेदन करि परिबे, एज लिमिट, सिलेबस सब गुड़िक डिटेल ले देखिबा। देखंतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होछि आपनकर 26/6/2023 टू लास्ट डेट दिया जाइछि जोटा कि 24/7/2023, माने आपन माने 26 जून टू आवेदन स्टार्ट करि परिबे, लास्ट डेट आपन 24 जुलाई जे आवेदन करि परिबे। तो देखंतु को को पोस्ट बाहर छि आ तार क्वालिफिकेशन कोन रहइबो। देखंतु वेविंग सुपरवाइजर रो मोट 3टी पदवी बाहर छि। तापर देखंतु एससीसी डबल माने सोइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन वर्कर रो 245टी पदवी बाहर छि। तापर देखंतु टेक्निकल असिस्टेंट रो 19टी पदवी बाहर छि। तापर देखंतु अमिन रो जोटा कि वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट रो 75टी, अमिन जोटा कि डायरेक्टरेट ऑफ टाउन प्लानिंग रो 12टी पदवी बाहर छि। तापे चलत डिटेल गोटे गोटे कर क्वालिफिकेशन कौन रही देखा। तो देखो वेविंग सुपरवाइजर आपंकर डिप्लोमा इन हैंडलूम टेक्नोलॉजी जब अच्छी यहाँ को आवेदन करेंगे। तापे देखते सोइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन वर्कर जब आप प्लस टू पास विथ साइंस सब्जेक्ट, माने आप प्लस टू साइंस पास करते को आवेदन करेंगे। तो देखंतु टेक्निकल असिस्टेंट क्वालिफिकेशन देखिया गले मैट्रिकुलेशन विथ पीएमएफ थिबा को पड़िबो, ताहाले जाइके इटा को आवेदन करि परिबे। तापर देखंतु आपनकर अमिन पई गोटे अमिन पई जोटा कि वाटर रिसोर्स रो प्लस टू पास मगा जाइछि, आ गोटे अमिन पई देखंतु एचएससी एंड नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मगा जाइछि जोटा कि डर्समैन सिविल जदि अछि इटा को आवेदन करि परिबे। गोटे पई आपनकर नॉर्मल प्लस टू पास रखा जाइए जोटा कि वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट 75टी पोस्ट सीटा को आवेदन करेंगे। तापर चलत डिटेल एज लिमिट देखा। तो सबूगुड़ पोस्ट पर गोटा को छाड़ी जोटा कि टेक्निकल असिस्टेंट सीटा 20-38 रखा जाइए, आ सब 21-38 वर्ष मगा जाइए। तापर देखंतु आपनकर प्रिलिम एग्जाम कौन रखा जाइए। तो स्टेज वन देखंतु आपनकर जोटा कि प्रिलिम एग्जाम एरिथमेटिक आपनकर 10th स्टैंडर्ड आसीबो। तापर आपनकर डीआई आसीबो जोथिरे कि चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी सब गुड़िक 10th स्टैंडर्ड आसीबो। तापर आपनकर लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी उपर क्वेश्चन आसीबो। तापर देखंतु करंट अफेयर आउ करंट अफेयर उपर क्वेश्चन आसीबो, आ कंप्यूटर इंटरनेट अवेयरनेस उपर क्वेश्चन आसीबो। मोट आपनकर 150 मार्कर एग्जाम कनर करजिबो, आपनकर 0.25 रो रंग मार्किंग रखा जाए। तो 5 गुणा आपणकर मेन रिटर्न एग्जामिशन को सिलेक्शन करपे। देखो आपणकर स्टेज टू, तो स्टेज टू आपणकर टेक्निकल पेपर हम। तो डिफरेंट पोस्ट पर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल पेपर अच्छे जोटा कि 200 मार्क्र कंडक्ट कर। तो मेन एग्जाम रु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को 2 गुणा पिला डक। तो फास्टे देखंतु सिलेबस ऑफ टेक्निकल पेपर फॉर मेन रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सोइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन वर्कर। तो एससी डबल रो मेन रिटर्न एग्जामिनेशन रो सिलेबसटा देखंतु जोटा कि पार्ट वन आपनकर मैथमेटिक्स आसीबो, एरिथमेटिक, अल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री आउ स्टैटिस्टिक उपर क्वेश्चन आसीबो। तापर देखंतु पार्ट टू रे आपनकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तापर डी रे आपनकर फील्ड क्रॉप, तापर आपनकर वेजिटेबल उपर क्वेश्चन आसीबो, फार्मिंग उपर माने एससी एससीसी डबल उपर जहाँ भी टॉपिक रहुची से उपर आपनकर क्वेश्चन आसीबो। तो देखंतु आपनकर एटी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट दिया जाइछि जोटा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रो जो क्वेश्चन गुड़िक सेटा 10th प्लस 2 साइंस सिलेबस उपर क्वेश्चन आसीबो जोटा कि आपनकर सीएचएससी रो स्टैंडर्ड रहइबो। तो आपनकर सीबीएसई स्टैंडर्ड रो क्वेश्चन आसीबोनी, सीएचएससी स्टैंडर्ड रो आसीबो। तापे देखंतु अमिन रो मेन पेपर कौन रहइबो, तो आपनकर ज्योमेट्री उपर क्वेश्चन आसीबो, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, तापे देखंतु सर्किल, तापर आपनकर एरिया उपर क्वेश्चन आसीबो, वॉल्यूम, सरफेस एरिया ए सब उपर क्वेश्चन आसीबो। तापे देखंतु इंटरप्रिटेशन ऑफ मैप उपर क्वेश्चन आसीबो। तो एतिकी थिला आपनकर डिटेल ऑफिशियल सिलेबस। तो एतिकी इंपोर्टेंट अपडेट थिला। थैंक यू।